नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपनी और एक इंडियन हेरिटेज साइट हर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस ये लेक हुसैन सागर ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद रेलवे स्टेशन से मात्र 3.5 किलोमीटर के दूरी के ऊपर स्थित इस लेक हुसैन सागर को अगर आप विजिट करते हो तो जैसे इसके साइड में आपको और भी कुछ टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर तेलंगाना का ये सेक्रेटरी ऑफिस हो, यहाँ का जो फेमस बिरला मंदिर है उसको भी आप विजिट कर सकते हो, यहाँ का ब्यूटीफुल मार्टियस बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस को आप यहाँ विजिट कर सकते हो। तो आज के व्लॉग में हम देखने वाले इस हुसैन सागर को, अगर आप यहाँ विजिट करते हो तो आपको यहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, इस लेक हुसैन सागर के बाहर आपको ये स्नैक और फास्ट फूड आपको देखने को मिलेगा। आप इसलिए अगर गेट के अंदर एंट्री करते हो तो आपको यहाँ एक एंट्री पास लेना पड़ता है, जो कि मात्र 20 रुपीज पे करके आपको यहाँ का एक एंट्री पास मिल जाएगा। ये पास लेने के बाद आपको एंट्री मिलेगी यहाँ के लुम्बिनी पार्क में। फ्रेंड्स, अगर आप अपने फैमिली के साथ इस हुसैन सागर को विजिट करने आए हो तो यहाँ का ये लुम्बिनी पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगा। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा फाउंटेन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप काफ़ी एंजॉय ले सकते हो। यहाँ काफ़ी झूले हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, तो आप अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ काफ़ी यहाँ एंजॉय ले सकते हो। तो दोस्तों, इस लुम्बिनी पार्क को विजिट करने के बाद अभी हम चलेंगे यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है हुसैन सागर बोट राइड पॉइंट, वहाँ विजिट करने वाले। दोस्तों, यहाँ टू टाइप्स की बोटिंग होती है, एक तो स्पीड बोटिंग होती है जो ग्रुप के साथ होती है, मात्र 300 रुपीज पे करके आप ये ग्रुप बोट राइड ले सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये ग्रुप राइड लीजिए, मात्र 300 रुपीज में है और 10 से 15 मिनट में आपको पूरे हुसैन सागर की राइड करके आपको लाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम बहुत है तो 1 घंटे के लिए अगर आपको राइड लेनी है तो यहाँ भी वो भी राइड आपको अवेलेबल है, मात्र 100 रुपीज़ पे करके आप वो भी राइड ले सकते हो। यहाँ थोड़ा आगे आते ही आपको राइट साइड में टिकट काउंटर दिखाई देगा, जहाँ से आप टिकट निकाल सकते हो। और आप ये सामने देख सकते हो काफ़ी लंबी बोट रहती है और मात्र 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करके आप यहाँ की लंबी राइड के लिए जा सकते हो और इस हुसैन सागर का काफ़ी बेहतरीन तरीके से और भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आप इस ग्रुप राइड से अगर आप राइड करते हो तो आपको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, गेट नंबर फर्स्ट पे आपको ये स्पीड बोट की ग्रुप राइड देखने को मिलेगी। यहाँ लाइफ जैकेट आपको कंपल्सरी पहनना पड़ता है। दोस्तों, इसकी 5 की कैपेसिटी रहती है, मात्र 300 रुपीज पे करके आप 5 बंदे आराम से इसकी राइड ले सकते हो। तो दोस्तों, मेनली यहाँ जो गेट नंबर 1 है वहाँ भी स्पीड बोट के लिए आप राइड ले सकते हो। यहाँ गेट नंबर 2 है वो जनरली बंद रहता है और गेट नंबर 3 है वहाँ आप लॉन्ग रूट की राइड ले सकते हो बड़ी बोट के साथ। तो चलो, अभी हम राइड करेंगे स्पीड बोट के माध्यम से पूरे हुसैन सागर का। जब आप ग्रुप के साथ स्पीड बोट में इस हुसैन सागर को राइड करते होंगे तो काफ़ी आप एक्साइटमेंट मोमेंट फील करोगे, काफ़ी इंजॉय लेते हुए आप इस राइड का आनंद लोगे। इसी हुसैन सागर के बीच में तो बुद्धा स्टैचू है, दिखने में काफ़ी सुंदर और काफ़ी टॉल स्टैचू है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो हुसैन सागर लेक है एक मानव निर्मित लेक है और यहाँ का जो शासक था इब्राहिम कुली कुतुब शाह, उन्होंने 1562 में इस लेक का निर्माण किया था। इसके बीच में तो बुद्धा का स्टैचू आप देख रहे हो, ये 1988 में यहाँ लाया गया है दोस्तों। इसी वजह से इस लेक को 27 सितंबर 2012 को हर्ट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से इसको नवाजा गया है दोस्तों। तो ये एक हिस्टोरिकल और एक फेमस हेरिटेज टूरिस्ट प्लेस होने के कारण हैदराबाद के अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस में से ये एक टूरिस्ट प्लेस आता है। अगर आप हैदराबाद विजिट करने आए हो तो इस टूरिस्ट प्लेस को विजिट करना मत भूलिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए। आप सबको जय हिंद।